वर्चुअल स्कूल NIOS ने 14 अगस्त 2021 को लागू किया था और माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया था। तो ये एक मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था जब कल मैंने पढ़ा कि इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। लेकिन देखिए, समग्र शिक्षा का समय है, एजुकेशन फॉर ऑल का समय है, इसमें सभी राज्यों को आगे आना चाहिए। लेकिन जहां तक प्रथम बार देश में पहली बार वर्चुअल स्कूल के लॉन्च होने की बात की जा रही है, तो राष्ट्रीय स्तर पर हम इसको लागू कर चुके हैं और हमारे 2 सेशन पूरी तरीके से सफलतापूर्वक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान ने इसको लागू किया है। हमारे बच्चे लाखों की संख्या में इसमें पास हुए हैं और जो 3रा सेशन है वो हमारा चल रहा है वर्चुअल स्कूल NIOS, बहुत सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है और इसको हम सक्सेसफुली अनुभवी तौर पे हम इसको लागू भी कर रहे हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा था, लेकिन जहां तक NIOS की बात है और शिक्षा मंत्रालय और NIOS इतने अच्छे से काम कर रहा है, और शिक्षा किसी का एक का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है, और हमने इसकी शुरुआत कर दी है। अगर दिल्ली सरकार को हमसे कोई सहायता चाहिए, क्योंकि हम अनुभवी हैं, 3 सेशन हमारे हो चुके हैं, तो हम उनको गाइड करने के लिए, उनके मॉनिटरिंग में हर स्थिति के लिए हम तैयार हैं, हम उनकी मदद करेंगे।